अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा यूनिट नंबर है 4, रोज़ा। आज हम करेंगे दर्ज सवाल नंबर 1 करेंगे, दर्ज ज़ैल सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है हमारा, दर्ज ज़ैल सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है हमारा, रोज़ा से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, रोज़ा रखने से कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, रोज़ा किस इस्लामी महीने में रखे जाते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सहरी और अफ्तारी का क्या मतलब है। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, किस नमाज के साथ नमाज तरावी अदा की जाती है। देखें हमारे दर्ज ज़ैल सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, रोज़ा से क्या मुराद है। रोज़े से मुराद है अजान फजर से लेकर अजान मगरिब तक इबादत की नीयत से खाने पीने और ऐसे कामों से रुकना जिससे रुकने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। एक दफ़ा फिर देखें, रोज़े से मुराद अजान फजर से लेकर अजान मगरिब तक इबादत की नीयत से खाने पीने और ऐसे कामों से रुकना जिससे रुकने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, रोज़ा रखने से कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। इसका जवाब देखें, रोज़ा रखने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है, उसे गरीबों की भूख का एहसास होता है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, रोज़ा किस इस्लामी महीने में रखे जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे जाते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सहरी और अफ्तारी का क्या मतलब है। रोज़े की इब्तिदा फजर की अजान से होती है। अजान से पहले खाना खाया जाता है, उसे सहरी कहते हैं। सहरी खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अफ्तारी मगरिब की अजान पर रोज़ा खोल लिया जाता है, उसे अफ्तारी कहते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, किस नमाज के साथ नमाज तरावी अदा की जाती है। नमाज इशा के साथ नमाज तरावी अदा की जाती है। अब हम देखेंगे
सवाल नंबर तीन है हमारे पास, दर्ज है सवालात दर्ज जेल दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहले हम एक दफ़ा इसको रीड आउट करते हैं, देखें लैलतुल कदर रमज़ान में कब होती है, पहले 10 रोज़ों में, दूसरे 10 रोज़ों में, आखिरी 10 रोज़ों में। सेकंड है, रोज़ा खोलने के वक्त जो खाना खाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सहरी अफ्तारी दोनों। यकम शवाल को कौन सा दिन मनाया जाता है, ईदुलफितर, ईदुलअज़हा, ईद मिलादुलनबी। कुरान मजीद का नज़ूल कब शुरू हुआ, मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, रमज़ानुल मुबारक में। आम दिनों की नस्बत रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादत का सवाब मिलता है 30 गुना, 50 गुना, 70 गुना। चलें अब आप सब अपनी अपनी पेंसिल पकड़ लें और अब हम देखते हैं दुरुस्त जवाब पर हम निशान लगाएंगे। लैलतुल कदर रमज़ान में कब होती है, आखिरी 10 रोज़ों में, टिक लगाएं, आखिरी 10 रोज़ों में। रोज़ा खोलने के वक्त जो खाना खाया जाता है उसे कहते हैं अफ्तारी। रोज़ा खोलने के वक्त जो खाना खाया जाता है उसे कहते हैं अफ्तारी। यकम शवाल को कौन सा दिन मनाया जाता है, यकम शवाल को कौन सा दिन मनाया जाता है, ईदुलफितर, ईदुलफितर। कुरान मजीद का नज़ूल कब शुरू हुआ, कुरान मजीद का नज़ूल कब शुरू हुआ, मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक में। आम दिनों की नस्बत रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादत का सवाब मिलता है 30 गुना, 50 गुना, 70 गुना, 70 गुना। आम दिनों की नस्बत रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादत का सवाब मिलता है 70 गुना। सबने नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। आगे देखें, मतरजा ज़ैल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें, मतरजा ज़ैल अल्फाज की मदद से खाली जगह की मदद से खाली जगह पुर करें। अजान, बीमारियों, सुन्नत, नौवा। फर्स्ट है हमारे पास, रोज़ा रखने से इंसान डैश से बचा रहता है, रोज़े की इब्तदा फजर की डैश से होती है, रमज़ान और मुबारक साल का डैश महीना है, सहरी खाना डैश रसूल सुन्नत है। चले अब पेंसिल पकड़ें और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रोज़ा रखने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है, रोज़े की इब्तदा फजर की अजान से होती है, रमज़ान और मुबारक साल का नौवा महीना है, सहरी खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक दफ़ा फिर देखें, रोज़ा रखने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है, रोज़ा की इब्तदा फजर की अजान से होती है, रमज़ान और मुबारक इस्लामी साल का नौवा महीना है, सहरी खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आई होप सो, उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू, वीडियोस को ज़रूर देखें और लाइक करें और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा रही है और आपकी 100% अटेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियोज़ व्यूज़ में कमेंट्स में अपना नाम और अपनी क्लास का नाम ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों से प्यार करें और उन सब से प्यार करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।